हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इन्फो 2। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ISL सीजन 7 जमशेदपुर FC वर्सेस ADK मोहन बगान के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जमशेदपुर FC के पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो गोलकीपर रहेंगे पवन कुमार, डिफेंडर्स की बात करें तो रिकी लालमा विया, पीटर हाथली, स्टीफन एजे और लालडिन लियाना रेंथलेई डिफेंसिव लाइनअप संभालेंगे। मिडफील्डर पोजीशन पर दिखेंगे एडोर मोनरॉय, मुबशीर रहमान और एलेक्स लिमा। फॉरवर्ड्स पोजीशन पर दिखेंगे इसक भैनमोल साउमा, निर्जियस भेलास्केस और जैकीचंद सिंह। ATK मोहन बगान के पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो गोलकीपर रहेंगे अरिंदम भट्टाचार्य, डिफेंडर्स की बात करें तो संदेश झिंगन, टीरी और प्रीतम कोटाल डिफेंसिव लाइनअप संभालेंगे। मिडफील्ड पोजीशन पर देखेंगे सुभाषिश बोस, जावी हर्नांडेस, कार्ल मैग्यू, जयेश राणे और प्रवीत दास। फॉरवर्ड्स पोजीशन पर देखेंगे रॉय कृष्णा और डेविड विलियम्स। ISL पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ATK मोहन बगान 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे पोजीशन पर है और जमशेदपुर FC 2 पॉइंट्स के साथ 8वें पोजीशन पर है। इस सीजन ATK मोहन बगान ने 3 मैचों में 3 मैच ही जीत हासिल कर पाए और जमशेदपुर FC की बात करें तो अभी तक एक भी जीत हासिल नहीं कर पाए, 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ जमशेदपुर 8वें पोजीशन पर है। क्या जमशेदपुर FC ISL सीजन 7 अपना पहला ISL जीत हासिल कर पाएंगे या फिर ATK मोहन बगान लगातार चौथे जीत हासिल कर पाएंगे? वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।